फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं एस्पायरिंग शी के लिए आई हूँ और ये मेरा बिग बॉस के बाद पहला अवार्ड है, अवार्ड फंक्शन है वेयर जहाँ पर आई हैव कम और वुमेंस डे है और आई थिंक औरत से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है इस दुनिया में और आजकल की औरतें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं। कोई भी औरत आजकल किसी बेटे से कम नहीं है। कहते हैं ना कि एक औरत घर बनाती भी है और वही औरत घर उजाड़ भी सकती है, तो मतलब हम में जो शक्ति है, हम मतलब एक औरत माँ भी होती है और आजकल बहुत सारे एंटरप्रेनर्स हैं जो औरतें ही हैं। सो आई एम वेरी प्राउड दैट इतना ज़्यादा, मतलब अभी एक वक्त था, एक ज़माना था जब हमें सिर्फ एक बीवी के रूप में ही देखा जाता था और बहू के रूप में ही देखा जाता था, बट आज वही बीवी वही बहू बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को रूल कर रही है। सो आई एम प्राउड टू बी एसोसिएटेड ऑल्सो टू विद दिस इवेंट। जिस तरह से बिग बॉस में आपने खुद को रिप्रेजेंट किया, वुमन पावर दिखाया बिग बॉस में, बाहर आने के बाद क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे उस चीज़ को लेकर और कितना प्राउड फील करती है एज अ वुमन, जिस तरह का आपने बिग बॉस में देखा होगा? बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ और जैसा कि बिग बॉस की जर्नी थी बहुत ज़्यादा इमोशनली ऊपर नीचे थी, बट आई जस्ट फील दैट बहुत ही अच्छी तरह संभाला और एक लड़की को हमेशा अपनी डिग्निटी मेंटेन करके ही रखना चाहिए। तो जब मैं बाहर से आई, जब मुझे अंदर भी मुझे सर ने बोला कि सलमान सर ने बोला दैट बहुत ही अच्छी तरह गेम खेला, बहुत ही बहुत सारी डिग्निटी के साथ, तो जब बाहर आई तो सब लोगों ने बोला कि बहुत ही इज्जत से तुमने गेम खेला है आरती, और बहुत ज़्यादा प्यार तो मिल ही रहा है लेकिन उससे साथ जो रिस्पेक्ट मिली है सोसाइटी की, आई थिंक वो ट्रॉफी से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दिल जीतना बहुत ज़रूरी था और रिस्पेक्ट कमाना बहुत ज़रूरी था। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि 5 महीना के बाद आप भूल जाते हो कि आप कैमराज के बीच में हो, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैं कभी भी उस अपनी कभी भी के तमीज़ की दायरे को कभी लांघा नहीं। और बाहर आए तो लोग बोलते हैं कि बहुत समझदार हो, तो आई थिंक मेरे लिए ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप क्या कर रहे हैं, क्या नेक्स्ट होने वाला है, क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स? नेक्स्ट अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, बट आई वुड लव टू डू अ डांस रियलिटी शो। आई बीन ऑफर्ड अ फिल्म बट आई डोंट थिंक सो दैट आई एम नॉट श्योर राइट नाउ। अभी तो मैं उसी, ऐसा लगता है मैं अभी भी बिग बॉस में ही हूँ, मुझे अभी भी वो सारा थकावट नहीं निकली है। 5 महीना मतलब अंदर बहुत ज़्यादा था, बट आई एम वेरी हैप्पी। बट अभी आई एम लुकिंग फॉर अ लाइन्स, अगर कोई अच्छा डांस रियलिटी या खतरों, आई डोंट माइंड खतरों। ये क्या हो गया, ये आप लोग ठीक से लगा दो। अगर खतरों का खिलाड़ी, समथिंग लाइक दैट। सो रियलिटी शोज आई वुड लव टू डू, और इवन लाइक अ गुड फिक्शन शो आई डोंट माइंड। नहीं, मैंने देखा नहीं है अभी, और वेरी हैप्पी फॉर आसिम, ही इज़ अ टैलेंटेड गाय, और अच्छी बात है कि वो जैकलीन के साथ वीडियो कर रहा है। एंड आई थिंक वही एक इंसान था जो अंदर फिट था, तो ऑब्वियसली
आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी देम. आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी इवन पारस मायरा का जो एल्बम है, मैंने उनका सिर्फ फर्स्ट लुक देखा है एंड मतलब इट्स नाइस. मेरी अभी आई डोंट नो, ये कुछ मुझे नहीं पता मैं स्टार बन गई हूँ कि नहीं पता, बट अच्छी बात है लोग जानने लगे हैं. और म्यूज़िक वीडियोस की बात, मेरी एक्चुअली मुझे कल ही एक मीटिंग थी बट वो पोस्टपोन हो गई, तो आई माइट अनाउंस अ म्यूज़िक वीडियो बट लेट्स सी. थैंक यू सो मच. Still, still, quiet. दिनेश जी एक ट्रॉफी के साथ में फोटो हो जाए. गाइस हटो फटाफट फटाफट. That's it. Thank you so much. Quickly, Gazala, 5 minutes. Okay, Hina ma'am, सबसे पहले aspiring की आपको award से नवाजा गया है. What do you want to say about it and कितना proud feel हो रहा है women's को यहाँ पे felicitate किया. देखिए women's day is round the corner और हमारे लिए तो पूरा साल women's day है. At least मेरे लिए, मुझे तो पूरे साल मैं खुद भी स्पेशल फील करती हूँ और चाहती हूँ कि सब मुझे स्पेशल फील कराएं क्योंकि मैं लोगों को स्पेशल फील कराती हूँ. तो आई थिंक ऐसे माहौल में इफ़ यू आर अवार्डेड फॉर समथिंग वे यू हैव पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, मुझे जो अप्रिसिएशन मिला है वो स्टाइल के लिए मिला है. सो आई फील ऑनर्ड एंड आई लाइक द टाइटल एस्पायरिंग शी. सो इफ आई maybe 10% or 5% inspire anyone, which I believe I do because I do get a lot of messages, a lot of people tweet and they get really worried when I'm not there. They want me to dress up, they want me to do videos on makeup, hair and what I do, what I don't, on my fitness. So I really, really appreciate it. और इसके लिए अगर हमें अप्रिसिएशन मिलता है तो आपको और अच्छा लगता है अच्छा काम करने, और अच्छा काम करने के लिए आपको मोटिवेशन मिलता है. कितना इम्पोर्टेंट है वुमेंस को फेलिसिटेट करना क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी जो है वुमेन खुद को जो है डाउन भी फील करती है, तो ये फेलिसिटेशन. देखिए औरत को ही फेलिसिटेट करना ऐसा कहीं किसी किताब में नहीं, आपको भी फेलिसिटेट करना चाहिए. मैन ऑल्सो डिजर्व एवरी काइंड ऑफ फेलिसिटेशन. ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ औरत ही डिजर्व करती है. हाँ विमेंस डे, इंटरनेशनल विमेंस डे आ रहा है और उस मौके पर अगर ये चीज़ हो रही है जहाँ पर वुमेन फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ विल कम हियर, जिनको अवार्ड्स दिए जाएंगे, उनको अप्रिशिएट किया जाएगा जो अपने अपने प्रोफेशन में अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लगता है. बट उससे ये कहीं रिस्ट्रिक्ट नहीं होता कि इट इज़ ओनली फॉर वुमेन. आई थिंक वी ऑल शुड बी अप्रिशिएटेड. कांग्रेचुलेशन आपको, काफ़ी लोगों ने थैंक यू, थैंक यू. I am overwhelmed with the kind of response the film got and especially my character. You know, for a television actor it is very difficult. आपने भी, मैंने कोई तो कुछ तो देखा था, आई थिंक इट वॉज योर वॉइस जहाँ तक मुझे लगा कि आवाज़. हाँ हाँ, रिव्यू किया था एंड मैं देख नहीं पाई इनको, लेकिन आई थिंक यही थे. लॉट ऑफ पीपल वर टॉकिंग गुड थिंग्स अबाउट द फिल्म एंड अबाउट माई कैरेक्टर, तो मुझे बहुत खुशी हुई. मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों को, एक टेलीविजन एक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है वो ब्रेक करना और फिल्म में काम करना. सो पीपल लव्ड माई परफॉर्मेंस, सो आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड. Well, I have another digital film coming up on Z5 Premium and after that I am in talks for other projects as well. Filhal, currently Unlock, my digital film is going to come. Thank you. Rocky, who do you think will be ready at this time? Of course, I want to go with him, but
कोई मान ही नहीं रहा, थिंक ही इज राइट. हम सबको इनफैक्ट मैंने कल ये भी सुनने में आया कि लॉट ऑफ बिग अवार्ड फंक्शंस आर कैंसिलिंग और होली पार्टीज आर कैंसिलिंग बिकॉज ऑफ द वायरस वी हैव अराउंड. आई थिंक वी गॉट टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल. ठीक है वो आप यू नो सोशल मीडिया पे यू पुट अप अ लॉट ऑफ स्टफ क्योंकि उस मोमेंट में आप थोड़े से दुखी हो जाते हो, बट द फैक्ट इज वी रियली रियली नीड टू स्टे इंडोर्स जितना हो सके और ट्रैवल तो अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. सबसे बड़ा सेफ्टी मेजर हाथ मत मिलाइए. नमस्ते. थैंक यू. दिनेश फोटो ले लीजिए. अरे यार फिर तो दिनेश जी आई व्यू लेना. दिनेश जी कॉल दीजिए. ये बहुत ही खूबसूरत फीलिंग होती है जब आप लोगों को इंस्पायर कर सकें किसी भी तरीके से. आई एम रियली हैप्पी दैट दे हैव मेड मी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट. अभी भी कोशिश ये है कि और थोड़ा अच्छा काम करूँ. हमारी मेरी जो साथ की लेडीज़ हैं या फिर दूर दराज बैठकर जो लोग मेरा शो देखती हैं या अभी फ़िलहाल ये न्यूज़ देख रही हैं, दे शुड गेट इंस्पायर्ड टू जस्ट कीप वर्किंग मूविंग ऑन एंड नॉट गेट रिस्ट्रिक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ प्रेशर्स. खुल के जीना आना चाहिए और इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हो अपने अरमान और सपने पूरे करते रहें. इतना इम्पोर्टेंट है इस तरह के अवार्ड करना टू बूस्ट अप वुमेंस मोरालिटी है. मुझे लगता है ये जो वुमेन्स डे स्पेशल अवार्ड शोज़ होते हैं या इवेंट्स होते हैं ये सिर्फ इसी दिन तक सीमित नहीं होना चाहिए. औरतों को हर रोज़ सेलिब्रेट करना चाहिए. वो जो टेकन फॉर ग्रांटेड वाली फीलिंग होती है औरतों के लिए वो कभी भी नहीं आनी चाहिए. सो आई थिंक एवरी डे इज़ अ वुमेन्स डे, इज़न्ट इट? पार्ट टू के लिए थोड़ा वक्त है मुझे लगता है. लेकिन हाँ आई एम रियली हैप्पी कि लोगों को कोल्ड लस्सी और चिकन मसाला ऑल्ट पर बहुत अच्छा लगा. हमें ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स मिला है. पीपल अभी तक दे आर वॉचिंग द शो एंड दे आर गेटिंग बैक टू मी कि उन्हें वेब सीरीज़ में मज़ा आया एंड दे आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीज़न टू. सो लेट्स होप पीपल पिक यू एंड जल्दी हम लोग सीज़न टू लॉन्च करें. पर अभी थोड़ा वक्त है. इस साल होली के लिए मैं और मेरे हस्बैंड विवेक हम दोनों भोपाल जा रहे हैं. हर साल की तरह भोपाल में होली होती है और दिवाली चंडीगढ़ में. हमारा कुछ इस तरह का रस्म है, रिवाज है. तो हम लोग वापस भोपाल जाएंगे और वहाँ पे इनफैक्ट एक शादी फंक्शन है तो वो अटेंड करेंगे. सो इस बार होली की जगह हल्दी मनाने वाले हैं. दिस इज़ वेरी सैड. लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इनफैक्ट बिकॉज ऑफ करोना वायरस. आई थिंक डरने की वजह ज़रूरी है कि हम लोग सब सावधानी बरतें, सैनिटाइजर्स यूज़ करें. इनफैक्ट मैं और मेरे हस्बैंड जैसे कि हमने बताया भी भोपाल ट्रैवल करने वाले हैं. सो वी विल मेक इट अ पॉइंट कि हम लोग मास्क पहन के ट्रैवल करें. कुछ अलग होगा. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच.